देख रहे हैं HMTV लाइव। आपके साथ मैं हूं AL द्विवेदी। आइए देश दुनिया की खबरों की शुरुआत करते हैं। नगर के चंदेला मोड़ के पास मौजूद पांडे समिति द्वारा संचालित कन्या आवासीय छात्रावास में रहने वाली 18 छात्राएं एक साथ बीमार पड़ गईं, जो कि संज्ञान का विषय है। आखिर एक साथ इतनी छात्राएं बीमार कैसे हो गईं? उक्त सभी छात्राओं को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जयसिंह नगर में अधीक्षिका द्वारा उपचार कराने लाया गया। उक्त मामले पर प्रकाश डालते हुए जब जानकारी ली गई तो चिकित्सक को छात्रावास में प्राथमिक उपचार के लिए क्यों नहीं बुलाया गया, तो उनके द्वारा इस पर सफाई पेश करते हुए कहा गया कि उपचार के लिए डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी को बुलाया जाता है, किंतु किसी कारणवश वो आज नहीं आ पाए। इस मामले पर प्रश्न उठता है कि त्रिपाठी क्लिनिक के चिकित्सक, जो कि प्राइवेट संस्था के संचालक हैं, और शासकीय चिकित्सक को छोड़कर उन्हें क्यों बुलाया जाता है? ये नियम विरुद्ध है और ऐसे में बीमार छात्राओं पर बुरा असर भी पड़ सकता है। इसका जवाबदार कौन होगा? HMTV लाइव के लिए पंकज पांडे की रिपोर्ट। बुखार और पेट दर्द। कितने बच्चे आए? 18 बच्चे। 18 बच्चे सब एक साथ बीमार हो गए? तो सर देखिए, उसमें क्या है कि 700 बच्चे। कितने टोटल है? 700। एक ही विद्यालय में? एक ही विद्यालय। वहाँ डॉक्टर उपलब्ध नहीं है? नहीं, बुलवाया आप कुछ? डॉक्टर उपलब्ध किए थे तो जा ही नहीं। अच्छा, कहाँ से गए? यहीं से नहीं, यहाँ से नहीं, यहाँ से कई मैं नहीं गई। कहाँ से करवाई थी? त्रिपाठी जी है ना, त्रिपाठी जी, वो प्राइवेट प्राइवेट वो वहाँ कहाँ से प्राइवेट डॉक्टर जाएंगे? जाएंगे तो सरकारी डॉक्टर। सब वही जाते हैं क्या, त्रिपाठी डॉक्टर? हाँ, जैसे ज़्यादा रहते हैं तो वहीं ले जाते हैं। त्रिपाठी डॉक्टर किया? हाँ, त्रिपाठी डॉक्टर क्या दवाई? एलोपैथी दवाई करते हैं जी? एलोपैथी दवाई करते हैं? हाँ, आयुर्वेदिक नहीं करते दवाई, एलोपैथी करते हैं ना, अंग्रेजी दवाई। हाँ।